नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, ये बड़ा झटका हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को लेकर, जहां असिस्टेंट प्रोफेसरों के 4,600 से ज्यादा पदों की जो बहाली की प्रक्रिया थी उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने करीब 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है और इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल जो ये पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, यह आदेश इस वजह से आया है क्योंकि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाले गए थे उसमें आरक्षण के प्रावधानों के साथ खिलवाड़ किया गया था और इसी वजह से अब पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और इसमें 4,600 से ज्यादा जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी थी उसे रद्द करने का आदेश दे दिया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय सुनाया है और इसमें बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। यानी कि इस विज्ञापन के तहत जो 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी थी अब उस विज्ञापन के तहत नहीं होगी, यानी कि इन प्रोफेसरों की बहाली के लिए अब फिर से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि 4,638 जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की बिहार के विश्वविद्यालयों में बहाली होनी है उसके लिए फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा और फिर से तय प्रावधानों के अनुसार यह विज्ञापन निकाला जाएगा, तब यह 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना बनने का जो सपना देख रहे लोग थे उन्हें एक तरीके से बड़ा झटका लगा है और इसमें उन लोगों को ज़्यादा झटका लगा है जो इस प्रक्रिया के तहत खुद को एलिजिबल मान रहे थे। दरअसल न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने डॉक्टर अमोध प्रबोध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई 10 जनवरी 2023 को पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था और आज उसी पर निर्णय सुनाया। कोर्ट ने नए सिरे से विज्ञापन निकालकर इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया को फिर से प्रक्रिया अनुरूप करने का निर्देश बिहार राज्य सचिव विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ विषयों अरबी फारसी व अन्य में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। इनकी संख्या लगभग 150 है, यानी कि इन लगभग 150 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों को छोड़कर शेष के लिए फिर से विज्ञापन निकाला जाए और जो तय आरक्षण के प्रावधान हैं सहित जो अन्य नियम हैं उन नियमों का इसमें पालन किया जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बताया था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया है इसमें राज्य के सभी 12 विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों के नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। उन्होंने यह भी कोर्ट को बताया था कि तय प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की पद की जो बहाली होनी है इसमें सामान्य श्रेणी के लिए केवल 1,223 पद ही तय किए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 638 जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी थी उसमें आरक्षण जो दिया गया था वह 50% से ज़्यादा दिया गया था। चूंकि आरक्षण 50% से ज़्यादा दिया गया था इसलिए यह आरक्षण के प्रावधानों का खिलवाड़ था और इससे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बड़ा झटका लगा था, क्योंकि सामान्य श्रेणी के लिए केवल 1,223 पद ही तय किए गए थे। इसी वजह से पीके शाही ने कोर्ट में पूरा का जो मामला है उसे कोर्ट के सामने रखा और बताया कि यह आरक्षण की 50% की सीमा से कहीं अधिक है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से यह भी बताया गया कि जो यह प्रावधान किया गया है इस तरह से इस विज्ञापन में संवैधानिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन हुआ है, इससे बहुत सारे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले पर 20 दिसंबर 2022 को सुनवाई करते हुए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अगले आदेश तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया था।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही, अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम और अधिवक्ता सुमन कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया था और साफ तौर पर बताया था कि जो आरक्षण के लिए तय प्रावधान है, यानी कि किसी भी जो बहाली होती है उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राज्य के 12 जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में 4638 पदों के लिए जो नियुक्ति होनी है उसमें आरक्षण का प्रावधान 50% से ज़्यादा किया गया है, जिस कारण से सामान्य श्रेणी के आने वाले योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो कोर्ट ने अब इसी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे के पूरे जो विज्ञापन की यह प्रक्रिया, वो भर्ती के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया थी, इसे रद्द कर दिया है और 4638 पदों के लिए अब जो प्रक्रिया चल रही थी वह नहीं होगी। अब इसके लिए नए सिरे से पूरे के पूरे प्रावधान के अनुरूप फिर से विज्ञापन निकाले जाने का आदेश दिया गया है।